पक्की आ रही है। एनडीए की नई सरकार को लेकर बड़ी खबर है, टीडीपी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांग लिया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है और सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि टीडीपी ने एनडीए का संयोजक पद मांगा है। टीडीपी मोदी सरकार को बाहर से समर्थन देगी। सूत्र बता रहे हैं कि स्पीकर पद नहीं मिला तो मंत्रालय की मांग तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से की जाएगी। बड़ी खबर एनडीए की नई सरकार को लेकर कुछ डिमांड यहां पर टीडीपी के, उनमें सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि टीडीपी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, टीडीपी ने एनडीए का संयोजक पद मांगा है और अगर मोदी सरकार को बाहर से वैसे समर्थन देने की बात की गई है टीडीपी की तरफ से लेकिन स्पीकर पद नहीं मिला तो मंत्रालय की मांग की जा रही है, यानी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल करने की बात की जा रही है। अब ये देखना होगा कि इन मांगों को कैसे पार्टी की ओर से लिया जाएगा और जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं जो एनडीए में शामिल हैं उनकी तरफ से क्या रुख होगा इस मांग पर, ये देखना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। तो एनडीए की नई सरकार को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है और तेलुगु देशम पार्टी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांग लिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि टीडीपी ने एनडीए का संयोजक पद मांगा है और साथ ही मोदी सरकार को बाहर से समर्थन की बात टीडीपी की तरफ से की गई है, स्पीकर पद नहीं मिला तो मंत्रालय की मांग हो सकती है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अभी असमंजस की स्थिति है, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल ही इस्तीफा पेश किया, उसके बाद मीटिंग भी चली है, कई दौर की मीटिंग चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ नीतीश कुमार भी इस मीटिंग में मौजूद रहे, जयंत चौधरी इस मीटिंग में मौजूद रहे, राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा और कई ऐसे बड़े दिग्गज इस मीटिंग में शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री इस मीटिंग में शामिल हुए। लेकिन अभी इस बीच ये खबर है कि टीडीपी की कुछ मांगे हैं और उन मांगों को मानने में क्या होता है, आगे कितना बदलाव होगा, इसके लिए इंतजार। हालांकि चंद्रबाबू नायडू जो कि मौजूद है दिल्ली में और वो कल एनडीए की बैठक में शामिल भी हुए। मोदी कैबिनेट में मध्य